तो गंगोलीहार से करीब 19 किलोमीटर दूर और बेरीनाग से 19 किलोमीटर दूर, चौकड़ी से करीब आपका 30 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर गांव में स्थित है पाताल भुवनेश्वर की गुफा, जिसका मेन गेट यहां पर है। यहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी है करीब आपके 200 किलोमीटर, तो आप यहां आ सकते हैं पाताल भुवनेश्वर में। तो ऐसा कुछ है यहां से प्राकृतिक नज़ारा सामने का, देखिए कितना खूबसूरत है। सामने क्लाउड्स हैं, उधर हिमालय रेंज भी दिखाई दे रही है पंचाचूरी पीक्स की। तो ये गांव है भुवनेश्वर जहां पर स्थित है पाताल भुवनेश्वर की गुफा। तो गुफा में जाने के बाद शायद वहां पर मोबाइल अलाउड नहीं होगा, होगा तो देखते हैं क्या होना है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो हम लोग आए थे चौकड़ी, चौकड़ी से गए थे हम लोग कोटगाड़ी माता के मंदिर, उसके बाद हम लोग गए थे आपके कालिका देवी मंदिर गंगोलीहाट में, फिर उसके बाद हम लोग गए थे चामुंडा मंदिर, और नेक्स्ट टाइम हम आए हैं पाताल भुवनेश्वर। तो यहाँ से पैदल रास्ता है करीब वहाँ का 1 किलोमीटर। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर की ओर, आपको दिखाता हूँ कि क्या नज़ारा रहेगा पाताल भुवनेश्वर का थोड़ा वॉक करते हुए। मज़ा आ रहा है, थोड़ा शाम का टाइम हो गया, 3 बज गए हैं, तो गुफा है जो करीब 4 बजे बंद हो जाती है, 4 या 5 बजे, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और गर्मियों का टाइम थोड़ा अलग रहेगा। हाँ, तो पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव का भूमिगत मंदिर परिसर का अनावरण मानव जाति की सहायता करने के अतिथि मार्ग है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित एक मंदिर है। यह गुफा के प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणा अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से शिव भगवान को अर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर पर 33 करोड़ देवी देवता का वास है। इस गुफा की ओर जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचनाएं, नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियां देखते हुए यहां से रारंभा पंचाचूली नंदा देवी और नंदा घुंटी चोटियों के भव्य दर्शन किए जा सकते हैं। तो दर्शन होंगे तुमको भव्य हिमालय रेंज के। तो मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हर स्वागत है। यहाँ से मेन उसका गेट स्टार्ट हो गया, वो बिल्कुल वहाँ पे उसकी गुफा है पूरा इस वाले पहाड़ के अंदर। मैं पहली बार भी आया था तो उस दिन वीडियो काफ़ी अंदर बंद थी, और आज पता नहीं होगी अलाउड की नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग को तो ये मौका देते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे लोग को अंदर जाने का मतलब मोबाइल लेके जाने का मौका नहीं देते। सर कोई नहीं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह है पाताल भुवनेश्वर गुफा, जिसके एक छोटे क्षेत्र से आप करीब 90 फीट नीचे जाएंगे। 90 फीट का यहाँ से पूरी गहराई है, फिर आप पहुँचाते हैं 310 फीट नीचे। तो ये छोटा सा रास्ता है, थोड़ा आराम आराम से इसमें हम लोग जाते हैं। तो ये गुफा है अंदर की ओर को, यहाँ से बिल्कुल गहराई पे जाके। तो इस मतलब पूरी पाताल भुवनेश्वर गुफा का वर्णन है आपके स्कंद पुराण में, मानस खंड में, मतलब उत्तराखंड स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड में विभाजित है। तो मानस खंड जो है वो कुमाऊं का है और केदार खंड जो है वो गढ़वाल का है। तो मानस खंड के अंदर पूरा इसके बारे में वेदव्यास जी पूरा लिख के गए हुए हैं, तो वहाँ डिटेल्स सारी की सारी उसमें दी हुई है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ये गुफा को स्थापित किया, और यहीं से वो चले गए थे कैलाश मानसरोवर की ओर। तो जो पाताल भुवनेश्वर गुफा थी उसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, अंदर बहुत मतलब अद्भुत नज़ारे हैं। आप वहाँ जाके यहाँ आके ही आप मतलब साक्ष्य कर सकते हैं, मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर थोड़ा बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। तो हम शेषनाग के मुँह से प्रवेश करते हुए हम लोग उसके स्पाइनल कॉर्ड पर जाते हैं पूंछ तक। तो उसमें हमको केदारनाथ, अमरनाथ की गुफा, बद्रीनाथ, सारे धामों के दर्शन होते हैं। साथ में अमृत कुंड जो हमारे पास है उसके दर्शन होते हैं, और साथ साथ में होते हैं आपके दर्शन हमको शिव जी की जटाओं के, जैसे पाइजात से बोलते हैं उसके दर्शन होते हैं। तो ऐसे मतलब वो सब जगह है, वहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, पूरा द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, हमको सबके दर्शन होते हैं। पूरे 3 रास्ते जाते हैं, एक जाता है आपका काशी की ओर, एक जाता है कैलाश मानसरोवर की ओर, और एक जाता है रास्ता आपका श्री बद्रीनाथ माणा स्वर्गरोहिणी की ओर। तो ऐसा कुछ मतलब पूरा वहाँ पे विख्यात है, पूरा का पूरा मेरा जो अंदर गाइड जाते हैं वो पूरा बताते हैं। तो आप आइएगा, आके दर्शन कीजिएगा, तब आपको डिटेल में सब कुछ पता चलेगा।